I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmed Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Aaj hum aapke samne zikr karenge zam-zam pani, उसकी हाइड्रोकेमिकल एनालिसिस और उस पर जो रिसर्च हुआ, जो तहकीक हुई उसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जिस्म के अंदर 70% 70% इज वाटर और जमीन की सतह भी 70% वाटर 70% पानी से भरी हुई है, जिसमें से 2.8% 2.8% जो है सॉफ्ट वाटर है, फ्रेश वाटर है, पीने योग्य है, पीने लायक है। मैं आपको बता दूं कि मेडिकल साइंटिस्ट्स का कहना है कि 40 दिन तक इंसान जिंदा रह सकता है बगैर खाना खाए, लेकिन 7 दिन से ज़्यादा बगैर पानी पिए जिंदा नहीं रह सकता। जैसा कि आप जानते हैं, नदी का पानी, समंदर का पानी, झरने का पानी, मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर, डीआयनाइज्ड वाटर, लेकिन सबसे बेहतरीन पानी जो ज़मीन की सतह पर है वो है जमजम पानी। आखिर सवाल ये उठता है कि जमजम पानी इतना स्पेशल क्यों? ए मिरेकुलसली, चमत्कारिक रूप से सऊदी अरब के डेजर्ट, रेगिस्तान, मक्का में काबा शरीफ के करीब चश्मे की शक्ल में उभरा और 1400 साल से ये पाया गया कि इसमें किसी भी तरह का कंटेमिनेशन नहीं है, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन नहीं है। शैवाल और अलगे किसी भी तरह से इसमें जन्म नहीं ले पाते, क्योंकि अल्ट्रावायलेट ट्रीटेड वाटर ये है। और आपको बता दूं, इसका टेस्ट, इसका ऑर्डर, इसके कंटेंट्स हूबहू वैसे ही हैं जैसे 1400 साल पहले इसमें मौजूद था। तो यूं समझिए, ये जमजम पानी अपने आप में बहुत सारी उसअतें समेटे हुए है। आइए इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके इतिहास, इसकी तारीखी हवाले से देखें। तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हाजरा रदियल्लाहु तआला अन्हा और छोटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक थोड़ा सा खजूर और थोड़े से पानी के साथ अरब की सरजमीन मक्का में काबा शरीफ के पास छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद खजूरें ख़त्म हो जाती हैं, पानी भी ख़त्म हो जाता है, भूख और प्यास की शिद्दत होती है। नन्हे से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियाँ पटकने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं। हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सफ़ा मरवा की 7 चक्कर लगाती हैं पानी की तलाश में। अचानक उन्हें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनाई दी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुलाया और पानी की दरख्वास्त की। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर के काबा शरीफ के करीब गए, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने ठोकर मारी और चश्मा उबल पड़ा, पानी का चश्मा उबल पड़ा। हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बर्तनों में पानी को भरा, अपने हाथों में लिया और उसके साथ साथ जब उन्होंने देखा कि जैसे जैसे पानी को जमा कर रही हैं, पानी और उबाल मार रहा है, पानी और निकल रहा है तेज़ी से, आपने चारों तरफ से रेत से बेसिन बनाया, चारों तरफ से आपने उसे घेरा बनाया ताकि पानी बह करके बाहर निकलने ना पाए, लेकिन चश्मा उबलता रहा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जम जम, स्लो डाउन स्लो डाउन, धीमे हो जाओ धीमे हो जाओ, चश्मा धीमा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सलामती हो
हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ है, अगर उन्होंने उसे घेरा नहीं होता, रेत से चारों तरफ से बेसिन न बनाया होता, तो आज ये जो है बहता हुआ चश्मा होता। कुछ दिनों के गुजरने के बाद जुरहम नाम का एक कबीला करीब आया और आपसे इजाजत लिया वहां ठहरने के लिए। आपने इजाजत तो दे दी इस शर्त पर कि जमजम के कुएं पर, जमजम के चश्मे पर हमारा अधिकार होगा। उसके बाद वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, जुरहम कबीला जो बहुत दिनों से वहां पर रह रहा था नाफरमान होने लगे। अल्लाह के हुक्म से फिर उनकी नाफरमानी के बसबब उन्हें वहां से निकाल दिया गया, लेकिन जाते टाइम उन्होंने जमजम के कुएं को छुपा दिया, ढक दिया, ताकि लोगों को खबर न चले। उसके बाद दौर आता है प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु का। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलसल 3 रात तक ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं कुआं खोदने के लिए अलग अलग नाम से, लेकिन कोई लोकेशन, कोई जगह नहीं बताई गई। 4th रात को आपने सीधा और बिल्कुल सच्चा और बिल्कुल साफ सपना देखा, ख्वाब देखा कि जमजम का कुआं और उसका लोकेशन काबा शरीफ के करीब आपको सपने में दिखाया गया, ख्वाब में दिखाया गया, जमजम नाम और काबा के करीब। आप 4th सुबह को उठते ही काबा शरीफ जाते हैं और बताई हुई जगह पर खोदना शुरू करते हैं, जमजम का चश्मा उबल पड़ता है। आपको मसर्रत हुई, आपको खुशी हुई, और उसके साथ साथ आप जमजम के पानी से लोगों को सैराब करते रहे जो काबा शरीफ के तवाफ के लिए आते, ज्यारत के लिए आते। मैं आपको बता दूं, जमजम कुआं इसकी गहराई 30.5 मीटर है, 30.5 मीटर्स, एंड इसका व्यास, इसकी जो है डायमीटर 1.08 से 2.66 मीटर है। सबसे पहली एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस इसकी इजिप्शियन कमीशन ने किया 1935 में, और दूसरी एनालिसिस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स वाटसन और मन्नान ने किया, अब्दुल मन्नान ने किया 1971 में। उनके मुताबिक उन्होंने पीएच फाइंड आउट किया इसका 7.9, 8.3 और 7.0, और उन्होंने कई कैटायंस एंड एनायंस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड उसमें तहकीक में निकाला। इसके बाद सबसे पहला इंटरनेशनल एनालिसिस जो किया गया अमेरिकन वाटर रिसोर्स एसोसिएशन के जरिए 1976 में, और उसके बाद अबुल मन्नान ने 1982 में तहकीक की। नईम एटल, नईम और उनके साथियों ने जमजम पानी की तहकीक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस और उसके साथ साथ ICP इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा सोर्स और क्लासिकल टेक्निक के जरिए आपने 34 कैटायंस एंड एनायंस की तहकीक की, रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड की मात्रा जो है जमजम पानी में तमाम पानी जितने अवेलेबल हैं उनसे कहीं ज्यादा है, और उन्होंने पाया कि एंटीमनी, बिस्मथ, ब्रोमाइड, बेरिलियम और उसके साथ साथ मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, इनकी तादाद, इनकी मात्रा जो है 0.01 ppm पार्ट्स पर मिलियन। उन्होंने पाया कि क्रोमियम, मैग्नीज, टाइटेनियम ए ट्रेस अमाउंट्स में थे, बहुत कम मात्रा में। उसके बाद हाइड्रोकेमिकल एनालिसिस के जरिए पाया गया कि सोडियम इसमें सोडियम क्लोराइड की शक्ल में है, और जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जैसे कैडमियम, आर्सेनिक,
सेलेनियम और लेड, इनकी मात्रा, इनका अमाउंट, जितने भी रेगुलेटरी व्यूज हैं और सऊदी अरेबियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उनके जरिए पाया गया, इनकी मात्रा, इनका अमाउंट डेंजर लेवल से बहुत कम है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बताया कि जमजम पानी में आर्सेनिक की मात्रा एलिवेटेड लेवल यानी जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। उसके ठीक बाद दो साइंसदान फजल और खान ने इन्होंने एनालाइज किया, रिपीटेड एनालिसिस किया, बार बार दोहराया, उन्होंने पाया कि आर्सेनिक की मात्रा, आर्सेनिक अमाउंट इसमें 9.89 टू 10.75 माइक्रोग्राम पर लीटर था, जो कि तमाम रेगुलेटरी एजेंसीज और सऊदी अरेबियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए फाइंड आउट हुआ, ये पाया गया कि डेंजर लेवल से बहुत ही बहुत कम है, यानी जमजम वाटर बिल्कुल सेफ है। ये पाया गया कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड इसमें 1011 मिलीग्राम पर लीटर, बाइकार्बोनेट 285 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट 187.2 मिलीग्राम पर लीटर और क्लोराइड 147 मिलीग्राम पर लीटर, सोडियम 121.90 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम 38.88 मिलीग्राम पर लीटर और पोटेशियम 43.3 मिलीग्राम पर लीटर, फ्लोराइड 0.720 मिलीग्राम पर लीटर और नाइट्रेट 124.30 मिलीग्राम पर लीटर। उन्होंने पाया कि फ्लोराइड के अलावा जितनी कैटायंस एनायंस हैं ये तमाम वाटर्स जो मौजूद हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। उन्होंने पाया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की हाई मात्रा जो इसमें है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट की शक्ल में है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की शक्ल में है, सोडियम पोटेशियम सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड की शक्ल में है। उन्होंने पाया कि कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा की वजह से ये पानी, जमजम पानी जो है, भूख के लिए बेहतर है और तमाम बीमारियों से निजात के लिए बेहतर है, इट हैज़ गॉट ए हीलिंग पावर। उन्होंने आगे बताया कि सोडियम पोटेशियम की मौजूदगी की वजह से ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम को मदद फरमाता है, और यही नहीं, ये पाया गया कि कैल्शियम मैग्नीशियम और रिक्विजिट अमाउंट बैलेंस्ड अमाउंट जो फ्लोराइड है उसकी वजह से जो मेटल्स हैं एसिड मीडियम में कोरोड नहीं होते। और ये भी पाया गया चूंकि नॉर्मल वाटर WHO के जरिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो पीने योग्य पानी है उसका pH 6.5 से 8.5, नॉर्मल वाटर का pH जो है 7.65 है और जमजम वाटर का pH 7.8 है, कहने का मतलब स्लाइटली अल्कलाइन है। स्लाइटली अल्कलाइन होने की वजह से इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो मालूम यह हुआ ये पानी भूख के लिए बेहतर है, हीलिंग पावर है और इसमें तरह तरह की बीमारियों से निजात के मादा मौजूद है। आपको बता दूं कि यहिया कोशाक ने बताया कि ये मास्टर पानी है, ये पानी ऐसा है कि इसमें किसी तरह के बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होते, अलगा शैवाल इसमें पनपते नहीं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से ट्रीटेड वाटर है। इसके साथ साथ ये भी पाया गया, एल जैत ने एनालिसिस किया, उन्होंने बताया कि जमजम पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1390/1390 माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर है, जबकि बॉटल्ड पानी का ये जो है 740 माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर और मिनरल वाटर का 235 माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर है, और टोटल डिजॉल्व सॉलिड जमजम पानी में 1000 मिलीग्राम पर लीटर, यानी जमजम वाटर हर तरह से मुफीद है। ये पाया गया कि जमजम पानी में बहुत तरह के फवायद हैं, जमजम पानी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है,
जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी है, उसके साथ साथ एबनॉर्मल थायराइड डिसऑर्डर के लिए है। ये आंखों की खूबसूरती को बढ़ाता है, ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, इसके साथ साथ जमजम पानी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है। जमजम पानी अगर पूरी तरह से लिया जाए तो ये कंप्लीट मेडिसिन है। ये जमजम पानी के जरिए कई तरह के इलाज किए जा सकते हैं। आगे मालूम पड़ा कि अगर जमजम पानी से खेती को सींचा जाए, इजिप्शियन मिस्रियों ने जमजम पानी से खेती को सींचा तो उन्होंने पाया कि ब्रॉड बीन एज वेल एज लैंटल सीडलिंग्स, इसमें शूट लेंथ, तने का लेंथ, तने की साइज और उसके साथ साथ जर्मिनेशन, जो स्प्राउट्स निकलते हैं, जमजम पानी से जो खेती सैराब की गई, जो सींची गई, उसमें कहीं ज्यादा था। इसके साथ साथ जमजम पानी से जिस खेती को सैराब किया गया, सींचा गया, उसमें आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज कहीं ज्यादा थी। तो मालूम ही हुआ कि जमजम पानी तरह तरह के तमाम बीमारियों के लिए मुफीद है। उसके साथ साथ सिंचाई में भी, एग्रीकल्चर में इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं आपको बता दूं, जापानीज साइंटिस्ट मसारो एमोटो ने 15 साल तक जमजम पानी पर रिसर्च किया, इसके साथ साथ दुनिया के तमाम पानी पर रिसर्च किया। उन्होंने ये पाया कि 15 साल के रिसर्च में 5 वॉल्यूम की किताब उन्होंने शाये की, पब्लिश किया, जिसका टाइटल था हिडन मैसेज इन वाटर। 2004 में इन्होंने पब्लिश किया, न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे ज्यादा बिकने वाला एक किताब था। ये किताब सबसे ज्यादा बिकने वाली थी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक। उन्होंने पाया कि पानी में मेमोरी होती है, इसके एतराफ में जो कुछ भी होता है उसे जज्ब करता है, एब्सॉर्ब करता है। इसमें फीलिंग्स होती है, इमोशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, एक्साइटेशन होता है, थॉट्स होता है। ये वाइब्रेट करता है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, बेंडिंग वाइब्रेशन। इसी तरह से जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड को पास करते हैं या पॉजिटिव वर्ड्स को पास करते हैं तो इस पर पॉजिटिव मुस्बत इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर किसी ने कहा हेलो या कहा आई लव यू तो इसके क्रिस्टल्स के शेप जो है बदलते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने देखा कि जब अल्लाह सुबहान व तआला के 99 नाम रिसाइट किए गए, पढ़े गए, तो उन्होंने हाई स्पीड फोटोग्राफी के जरिए देखा कि क्रिस्टल के शेप और साइज बदलते हुए नजर आए। उन्होंने कुरान की आयतों को पढ़ करके क्रिस्टल शेप की स्टडी की और उन्होंने ये भी देखा कि अगर कुरान की आयतें कंटेनर जिसमें पानी है अगर उससे अटैच कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो उस पर वही इफेक्ट होता है। तो पता ये चला कुरान की आयतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह सुबहान तआला के 99 नाम जब पढ़े जाते हैं या लिख करके कंटेनर से लगा दिए जाते हैं तो इसका इफेक्ट वही होता है जो पढ़ने से होता है। तो मालूम यह हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्रिस्टल शेप बदलने लगते हैं। उन्होंने पाया कि जमजम के पानी में दो क्रिस्टल्स एक के ऊपर एक, इन्होंने नैनो नाम दिया, इसलिए कहते हैं हम जमजम। आगे उन्होंने बताया कि जमजम पानी में ऐसी सलाहियत है कि अगर हम इसे काफी दिन तक रखें तो भी इसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता, अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद रहता है। उन्होंने पाया कि तमाम पानी पर जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि डिस्टिल्ड वाटर के क्रिस्टल्स जो थे हेक्सागोनल लेकिन इंटीग्रेट ब्रांचिंग उनमें न थी, जबकि जमजम वाटर में बेहतरीन ब्रांचिंग उन्होंने नजर आया। आगे उन्होंने बताया कि जमजम पानी की विशेषता, स्पेशलिटी, खसूसियत यह है कि ये पानी शिफा है। और क्यों ना हो, अल्लाह तबार ताला अपनी आखिरी किताब में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर नंबर 17 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44, ऑल द सेवन हेवेंस एंड द अर्थ व्हाट एवर इज देयर इन देम ग्लोरीफाई अल्लाह सुबहान व ताला, देयर इज नथिंग व्हिच डज नॉट ग्लोरीफाई विद हिज प्रेजेस बट यू डू नॉट नो देयर ग्लोरिफिकेशन। 7 आसमान और जमीन और जो भी उसमें है अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और कोई भी ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह की तस्बीह बयान न करती हो।
लेकिन तुम उसकी तस्वीर को सुनते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला है कि कायनात का जर्रा जर्रा उसकी तस्वीर बयान कर रहा है, और जमजम पानी भी तस्वीर बयान कर रहा है। उन्होंने बताया मसार मोटो ने, चूंकि ये होली साइट से है, मक्का मौसमा से है, जहां पे 24 घंटे कुरान पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसकी स्पेशलिटी, इसकी विशेषता, इसकी खसूसियत कहीं ज्यादा है। तो अगर ये पानी खूब बयान कर रहा है, इसमें वाइब्रेशंस हैं, तो अल्लाह के जब नाम लिए जाएंगे, अल्लाह की जब तस्बीह बयान की जाएगी, अल्लाह का कलाम कुरान पढ़ा जाएगा, तो इस पर असर होगा, इसलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स चेंज होते हुए नजर आए। मैं आपको बता दूं, एक और साइंटिस्ट क्नट फीफर, जर्मन साइंटिस्ट जो बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स के हेड हैं, उन्होंने बहुत सारे पानी पर 12 साल तक रिसर्च किया। उन्होंने जमजम पानी पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पाया कि 60 लोगों को जमजम पानी पिलाया, और उसके बाद उन्होंने शॉर्ट इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास किया, और उसका इफेक्ट ह्यूमन सेल पर देखा। उन्होंने देखा कि जमजम पानी पीने के पहले और जमजम पानी पीने के बाद, उन्होंने पाया कि जमजम पानी पीने के बाद ह्यूमन सेल्स ने एनर्जेटिक फील्ड को ज्यादा रेस्पॉन्ड किया, एनर्जेटिक फील्ड इफेक्ट कहीं ज्यादा था। उन्होंने एक थेरेपी निकाली, एनर्जेटिक फील्ड थेरेपी। उन्होंने कहा कि ये इसलिए है क्योंकि ये होली साइट से है। उनसे पूछा गया, क्या तुम और रिसर्च करना चाहते हो जमजम पर? उन्होंने कहा जी, इसलिए कि ये होली साइट जहां से आ रहा है वहां पे ज्यादा एनर्जेटिक इफेक्ट होगा, एनर्जेटिक फील्ड इफेक्ट कुछ ज्यादा होगा जहां से आ रहा है, मेन सोर्स यानी जहां पे 24 घंटे कुरान की तिलावत हो रही है। क्नट फीफर से पूछा गया, आपका क्या कहना है, मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं गैप के साथ, क्या उनकी एनर्जेटिक फील्ड चेंज होती होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल, हम एनर्जेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए, नमाज के पहले, नमाज के बाद, हज के पहले, हज के बाद। उन्होंने कहा होली साइट्स जो मक्का मौसमा और मदीना मुनवरा है, वहाँ की मसाजिद में नमाज पढ़ने के बाद ज़्यादा एनर्जेटिक फील्ड जनरेट होती होगी, और ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा दावा है, क्योंकि पीस इज एनवेलपिंग 24 आवर्स ओवर देयर। इट मीन्स दैट लोग सुकून चैन ढूंढते हैं, जबकि मक्का मौजमा में सुकून चैन इंसान को ढूंढता है। पता ये चला ए जमजम वाटर की तहकीक, जमजम वाटर के फवायद, और जमजम पानी तमाम दुनिया के बेहतरीन पानियों में से अफजल है, इसलिए तमाम पानी को बैठ कर के पीने का हुक्म है, लेकिन दो पानी ऐसे हैं जिन्हें खड़े होकर के पीने का हुक्म है। पहला पानी तो वजू के बाद जो पानी बचता है उसे खड़े होकर पीना चाहिए, और जमजम का पानी इसकी ताजीम के लिए खड़े होकर पीना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।